हाय एवरीवन तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चैट जीपीटी है क्या एक नया एआई टूल है जो कि 2022 में लॉन्च हुआ है नवंबर 2022 में ओपन एआई ने लॉन्च किया है एंड ओपन एआई के थ्रू ये बेसिकली चैट जीपीटी नवंबर में कमर्शियली अभी लॉन्च नहीं हुई है बट अभी पब्लिक के लिए यूज की लॉन्च कर दी गई है जिससे लोगों का रिस्पॉन्स पता चल सके चैट जीपी बेसिकली दो टर्म से बना हुआ है द फर्स्ट वन इज चैट एंड द सेकेंड वन टर्म इज जी पी का फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक ऐसा टूल uh, या ऐसा मशीन जो कि पहले से ही ट्रेन हो चुका है एंड उस पर हम उससे कुछ जनरेट कर पा रहे हैं चैट के फॉर्म में दिस इज कॉल्ड चैट जीपीटी चैट जीपीटी जैसे आप समझ गए कि बेसिक मतलब क्या है मैं इसका सिंपल सा डेमो दिखाऊंगा और इसकी कैपेबिलिटीज क्या है और ये कौन से जॉब्स के लिए खतरा साबित हो सकती हैं आगे आने वाले फ्यूचर में इसके बारे में हम बात करेंगे तो अगर हम चैट जी के बारे में बात करें तो ये जैसे एक सर्च इंजन के जैसे आप गूगल पे जाते हैं और कुछ भी सर्च करते हैं उसके क्रॉस्पॉन्डिंग क्या होती है कि हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं वो रिजल्ट्स किसी न किसी वेबसाइट द्वारा प्री क्रिएटेड रिजल्ट्स को ही शो करता है चैट जी ऐसा कुछ नहीं है आपने कुछ सर्च किया उसके बेसिस पे इस पर जो प्री ट्रेंड हुई हैं इसके मतलब इसमें जो डेटा फीड किया गया है उसके ऊपर से ये चीज़ जनरेट करता है और आपको प्रोवाइड करता है जबकि गूगल है गूगल एक सिर्फ सर्च इंजन है अगर यहाँ पे गूगल पे मैं जाके बोलूँ कि पोएम ऑन इकोनॉमिक्स पोएम आ, पोएम आ, मुझे एक गीत चाहिए किस पे अर्थशास्त्र पे तो मैं यहाँ पे जाके सर्च कर सकता हूँ पोएम ऑन पोएम ऑन इकोनॉमिक्स ठीक है अब यहाँ पे जैसे मैं पोएम ऑन इकोनॉमिक्स जाता हूँ तो मैं देखूंगा कि बहुत सारी मेरे पास टैब्स uh, आ जाते हैं जैसे ऑल इमेज न्यूज वीडियोज बुक्स एंड मोर ये सारी जो चीज़ें हैं अगर मैं किसी भी एक टैब पे uh, प्रेस करता हूँ देन मुझे बहुत सारी वेबसाइट के लिंक मिल जाते हैं तो ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं जैसे पिन uh, टस्ट है पोएम uh, हंटर है ये वेबसाइट्स पहले से बनाई गई होती है गूगल क्या करता है उसको उस uh, अपने सर्च इंजन से उस ट्रैफिक को Uh, उस वेबसाइट की ओर आपको ट्रांसफ़र करता है बट इन द केस ऑफ चैट जी पी टी चैट जी पी टी पहले से ही डेटा को ट्रेंड किया गया है उस पूरे प्रीवियस डेटा पे एंड वो जेनरेट करके देता है चैट गूगल uh, में आपको सारी चीज़ सर्च करनी पड़ेगी खुद से वेबसाइट सेलेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल सकते हैं लट्सा अगर आपने बोम ऑन इकोनॉमिक्स गए और, और यहाँ से पहले से बनी हुई चीज़ों को पहले से बनी हुई चीज़ों को आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं बट सेम केस अगर मैं लिखता हूँ बेसिकली चाय जी पी टी तो यहाँ पे मैं पाऊँगा कि चैट जी ने खुद से जो प्रीटेन हुई हैं चीज़ें उसके बेसिस पे हमें निकाल के देता है जैसे मैं लिखता हूँ कि राइट अ शॉर्ट पोएम ऑन इन हिंदी ऑन इकोनॉमिक्स तो ये खुद से ही uh, कुछ जनरेट करता है अब जो चैट जी है ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है मतलब एक इनपुट का एक ही आउटपुट दे ये जरूरी नहीं है या एक इनपुट के कई आउटपुट भी दे सकता है नॉन डिटर्मिस्टिक है और ये जो है मल्टीपल रिस्पॉन्स भी दे सकता है और ऐसा भी है जैसे आप मसी लड़का में जानते होंगे कि चैट चा, जी पी आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि वो ह्यूमन बिहेवियर से भी सीख सके अभी के लिए वो चीज़ इनेबल नहीं की गई है क्योंकि अगर वो शायद इनेबल कर दें तो हो सकता है कि वो गलत रिजल्ट को भी दिखा सके क्योंकि अगर यूज़र ने गलत इन्फॉर्मेशन उस पर फीड कर दी तो वो गलत रिजल्ट को ही सही मान के न्यू जनरेशन करेगा तो अभी के लिए प्री ट्रेन जो भी डेटा है वो 2021 के पहले के ही हैं और इसके बारे में मैं कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता हूँ लेट्स से अगर मैं कोई टेंथ क्लास का क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता है हो सकता है ये आंसर बिल्कुल करेक्ट ना हो बट इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड हिस्टोरिकल थिंग्स ये मोस्ट ऑफ टाइम करेक्ट होता है एनालिटिकल प्रॉब्लम में कई कई बार हो सकता है कि इसने अंक को छोटा या मीटर को सेंटीमीटर में समझ के आंसर गलत दे दिया हो वो एक अलग डिस्कशन uh, है बट जनरली चैट जीपीटी आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है अब जैसे मैं मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन टाइप किया था कि बेस्ट वीडियो एडिटर फॉर यूट्यूब तो चैट जीपीटी ने मुझे आंसर दिया एडोबी प्रीमियर प्रो फाइनल कट प्रो एक्स आई मूवी डाइवेंसी रिजॉल्व एंड फिल्मोरा फिर मैंने पूछा कि uh, क्योंकि ये तो टूल फ्री uh, वर्जन में है नहीं तो मैंने पूछा कि ऐसे टूल का नाम बताए जो कि फ्री वर्जन में अवेलेबल है तो उसने मुझे वो आंसर भी दिए अगर मैं इससे बोलूं कि एक छोटी सी कहानी लिखे किसी और और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो ये वो भी लिख देगा तो जैसे मैं लिखता हूँ राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो देखते हैं कि चैट जी पी इसका आंसर क्या देता है जैसे मैंने लिखा राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये अभी क्योंकि ये नेट की कनेक्टिविटी पे भी इशू डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा तेज़ी से आंसर दे सके क्योंकि यहाँ का नेट थोड़ा स्लो है तो इसने थोड़ा सा टाइम लिया या इसने जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लिया तो जैसे मैंने लिखा राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चैट जी पी ने आंसर किया है कि एक बार की बात है एक कहानी बना रहा है खुद से और मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो मशीन है ये डिटर्मिनीस्टिक नहीं है मतलब कि मैं एक इनपुट के सेम चीज़ अगर कोई दूसरा यूज़र पूछता है तो ये हो सकता है कि दूसरा आउटपुट भी दे जरूरी नहीं है कि ये आउटपुट नहीं देगा ये आउटपुट भी दे सकता है जो भी इसने दिया है बट इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि ये नई आउटपुट भी दे तो इस तरह से मैं चैट जी का फायदा यू, यूज़ कर सकता हूँ अगर आपको चैट जी यूज़ करना है तो आपको टाइप करना है चैट डॉट ओपन ए आई डॉट कॉम एंड उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो जैसे तो ये इंटरफेस आपको दिख रहा है सबसे पहले मैं लॉग आउट हो जाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ लॉग इन कैसे करना है जैसे यहाँ से मैं लॉग आउट हूँ मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे लॉग इन एंड अप के अगर मैं पहली बार इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ चैट डॉट एप ओपन ए आई डॉट कॉम पर तो मैं साइनअप करूँगा साइनअप में मुझे बेसिक डिटेल्स डाले होंगे या मैं गूगल या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू लॉग इन कर सकता हूँ दूसरी लॉग इन में जो कि मैं पहले से प्री साइनअप यूज़र हूँ तो मैं डायरेक्टली लॉग इन कर सकता हूँ विथ आवर प्रीवियस क्रीडेंशियल्स तो ये रही चैट जीपीटी के बारे में आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू